एक तरफ जहां सरकार स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 23 रावतयाना के मोहल्ले करबाबाई नगर में खाली प्लॉट और सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे आसपास में मच्छर पनप रहे हैं और लोगों को डेंगू तथा मलेरिया और उसके साथ साथ डायरिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूली बच्चे इस पानी के बीच निकलने के लिए मजबूर हैं। जब वहां के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये हर वर्ष बारिश के समय ये स्थिति बनी रहती है। पार्षद से कहने के बाद भी ना जल की निकासी की जाती है और ना इसका कोई परमानेंट समाधान किया जाता है। इसमें करमाबाई नगर के लोग काफी परेशान हैं, साथ ही वहां पर इस परेशानी से लोगों का जीना मुहाल होता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैंने भी वहाँ कई वार्डों में जाके ये देखा है, तो जो खाली प्लॉट पड़े हैं तो उनमें गंदगी होती है और उसी से बीमारियां फैलती हैं। सभी वार्डों में ये निर्देश दिए गए हैं कि जिनके खाली प्लॉट हैं उनका उनको चिन्हित करके उन्हें नोटिस दिए जाएं, या तो वो अपनी बाउंड्री बनाए अन्यथा उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की है। ये बरसात में पानी भर जाता है, फिर यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है? वहाँ से लगा के है पीछे से, और ये गंदगी से कई सारी बीमारियां फैल रही हैं, कोई देख नहीं आता है? कोई नहीं आउट। पार्षद का क्या कहना है इधर के? वो आउट ही नहीं है। साफ सफाई कभी होती है यहाँ? कौन आ रहा साफ सफाई कर के? ये जल भराव की यहाँ स्थिति बनी हुई है, वहाँ से कैसे आवागमन होता है, कैसे लोग निकलते हैं? पानी में निकलते हैं, पानी के बीच से निकलते हैं। और जो उनके बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो वो भी वहीं से निकलते हैं पानी में। कभी पार्षद से इस संबंध में बात की? नहीं, कई चीज वो जो कहते के डरवा देंगे मगर भी डरवाते ही नहीं। अपडेट के साथ आशीष तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस प्रकार से ललितपुर में बारिश से स्थिति बेहाल होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ तस्वीरें खुलकर सामने आ रही है ललितपुर से? जी मैडम, जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चला रही है, वही धरातल पे कई वार्डो में स्थिति ये बनी हुई है कि जलभराव से कई प्लॉटों में इतनी कंडीशन बनी हुई कि जलभराव ऐसा अधिक है कि वहाँ मच्छर पनप रहे हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे कीड़े भी वहां पर उत्पन्न हो चुके हैं और जो आसपास के मोहल्लेवासी हैं काफी परेशान हैं। साथ ही सड़कों पर जो जलभराव है उससे जो स्कूली बस्ती है या आवागमन है वहां से बाधित हो रखा है, लोग उसी के बीच से निकल रहे हैं और काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या संक्रामक बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है ललितपुर में? जी हाँ, एक तरफ जनपद ललितपुर में जहाँ डायरिया के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें हम तो वहां पर जहाँ डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं शहरी क्षेत्र में भी यही स्थिति बन सकती है। अगर इस प्रकार से अगर गंदगी रहेगी तो स्थिति यहाँ भी बनना लाजमी है, क्योंकि यहाँ गंदगी जो बनी हुई है वहाँ मच्छर पनप रहे हैं, कीड़े पनप रहे हैं और गंदा पानी लोगों के आसपास जो भरा हुआ है, निश्चित तौर से गंभीर बीमारियां होने का खतरा लगातार बना हुआ है। क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाया गया है नगर निगम, क्योंकि स्थिति उनकी बेहाल नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग एक्टिव है? स्वास्थ्य विभाग जरूर अपनी तरफ से जो CSC है या बात करें हम जिला अस्पताल है वहां पर वो अपना कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य टीम लगी हुई है। लेकिन बात अगर हम स्वच्छता पखवाड़े की करें तो वो धरातल पर अभी तक शून्य नजर आया है। जो 2 अक्टूबर का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है वार्डों की सफाई को लेकर, वहां पर चाहे वार्ड पार्षद की बात करें चाहे नगर पालिका अध्यक्ष, वो अभी तक अपने कार्य से संतुष्ट नहीं जता पाए हैं और ना वार्डों में पूरी तरह से सफाई करा पाए हैं। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राह चलते ईयरफोन लगाना दिन पर प्रतिदिन जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इतना लगातार चेतावनी के बावजूद भी लोग अलर्ट नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2 मजदूर सुबह शौच के लिए निकले थे, दोनों ही कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे, तभी प्रतापगढ़ से कानपुर जा रही ट्रेन ने दोनों युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक तालाब में जा गिरे, जिससे एक युवक की मौत हो गई तो दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। जालौन के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अतेरी में एक खेत के किनारे युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक
एक हफ्ते पहले त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं आया। वहीं अब युवक का शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच पड़ताल में प्रशासन जुट गया। गोंडा के डीएम नेहा शर्मा के गोंडा को जाम मुक्त कराने के आदेशों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्नलगंज पिपरी पेट्रोल पंप से मनोज धर्म कांटा कादीपुर तक सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जा है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें आला अधिकारी और पुलिस प्रशासन बेखबर है, जिसकी वजह से स्कूली छात्र छात्राओं और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच